सब्सक्राइब करें एसएस कोचिंग चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम बैक टू एसएस कोचिंग। तो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, और हम इस वीडियो में जो आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बम्पर भर्ती आई है, यानी काफ़ी सारे पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। और ये जो इसमें अच्छी बात ये है कि जो इस बार ये कोर्ट में वैकेंसी आई है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आई है। आप देखेंगे यहाँ पर यूपी स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं और चाहते हैं कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब लग जाए तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो पल-पल की अपडेट है या पल-पल की डिटेल है उसके बारे में जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट या कोई नई जॉब आती है या आजकल क्या चल रहा है एसएससी में, उन सब के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आई है और कितनी वैकेंसी है, क्या एज है, कब से अप्लाई होगा, सारी चीज़ इस वीडियो में देखेंगे और जुड़े रहे आखिरी तक। तो चलिए जो सबसे पहले बात करते हैं वो करेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपके स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसीज आई है यूपी के अंदर, इसमें सबसे पहली पोस्ट की बात करेंगे कैटेगरी सी के अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की। इसमें आपका देखेंगे आप यहाँ पर ग्रेजुएट या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफर का, लॉन्ग विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। और यहाँ पर 412 पोस्ट आई हैं, 18 से 40 के बच्चे इसमें एलिजिबल है। और पे ग्रेड आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर 2800 का पे ग्रेड है। अगर यहीं पे ग्रुप सी की दूसरी वैकेंसी की बात करी जाए तो आपको पता ही होगा जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 12th होना चाहिए और बंदे के पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए डुकेट लेवल तक। और दूसरी बात यहाँ जो निकल के आती है वो आती है कि हिंदी में 25 की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की और इंग्लिश में 30 की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की। तो जो इसमें अभी कौन सी हिंदी में किस लैंग्वेज पे टाइपिंग मांग रहे हैं आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसकी भी बात करेंगे आगे चलकर। तो इसमें जो टोटल पोस्ट देख लेते हैं वो है 1484, एज सेम एज, 18 से 40 साल के बच्चे एलिजिबल है। जूनियर असिस्टेंट का अगर पे ग्रेड देखें तो वो 2000 रुपये है और पेड अप्रेंटिस का अगर पे ग्रेड देखें तो वो 1900 रुपये है। अब यहाँ पर ग्रुप सी की एक दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं ड्राइवर की, जिसमें आपका हाई स्कूल मांगा है और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फोर व्हीलर का और 3 साल का कम से कम होना चाहिए और 40 साल यहाँ पर 40 इसमें वैकेंसी है। 18 से 40 यहाँ पर आप देखेंगे एज लिमिट दी हुई है और यहाँ पर भी 1900 का पे ग्रेड आपको दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं और काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं। ग्रुप डी की अगर वैकेंसी देखें आप तो आप यहाँ देखेंगे ट्यूब वेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन प्रोसेस सर्वर पियोन ऑफिस और चौकीदार माली कूली लिफ्ट मैन स्वीपर कम वर्स, इन सब की वैकेंसी आई है। तो आप यहाँ देखेंगे किस में क्या मांगा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे स्वीपर में इन्होंने 6th क्लास मांगा हुआ है, बाकी वैकेंसीज में इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे आपने यहाँ पर जूनियर मतलब 10th स्कूल मांगा हुआ है। जो इसकी यहाँ पर वैकेंसी आप देखेंगे वो देखेंगे 1559 है और 18 से 40 यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है और पे ग्रेड जो है इसका 6000 का रहने वाला है। तो चलिए आगे इसमें देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कब से ये अप्लाई होगा और होल नोटिफिकेशन आने वाला है वो आएगा 6 दिसंबर 2018 से, और जो इसकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की वो होगी 26 दिसंबर 2018। फीस की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पर देखेंगे जो पोस्ट कोड 1 है और 2 है उसमें जनरल की जाएगी 500, एससी एसटी की जाएगी 400 रुपीज़। जो रिमेनिंग पोस्ट कोड बचते हैं 3 और 4 उसमें जनरल ओबीसी की जाएगी 400 और एससी एसटी की जाएगी 300। तो एग्जामिनेशन की बात कर ले तो ये अभी भी एज यूजुअल हाई कोर्ट वाले सेम पैटर्न पे अटके हुए हैं और कॉमन ऑफलाइन रिटर्न एग्ज़ाम होगा यहाँ पर ओएमआर सीट का
और पोस्ट कोड यहाँ पर आप देखेंगे जो वाइज है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। टाइपिंग हिंदी इंग्लिश में ही लेंगे यहाँ पर, और जो ड्राइविंग की होगी उसके ड्राइविंग की यहाँ पर टेक्निकल आगे मतलब कार चलवा के देखी जाएगी। तो यहाँ पर जो इसमें इतना ही दिया हुआ है, जो इसमें मेन बात करेंगे अभी वो ये करेंगे कि थोड़ा यूपी को देखना चाहिए कि ये एग्ज़ाम कैसे कराते हैं। एनसीआर के एरियाज़ में तो मतलब यूपी में जो एनसीआर का एरिया लगता है वहाँ तो काफ़ी अच्छी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, एक सीट पे एक ही बच्चा बैठता है। बाकी जो अंदर यूपीज में एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी बेंच होते हैं और उस पर एक सीट पे दो बच्चे बिठाए जाते हैं। अब सपोज़ कीजिए इधर एक बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, वो अकेला सीट पे बैठा है, वो 70 नंबर ला रहा है, दूसरी जगह दो बच्चे बैठे हुए हैं एक ही डेस्क पे, वो अगर 60 62 नंबर भी ला रहे हैं करके, और फिर उसके बाद वो आपस में बचे हुए पूछ लेते हैं इसका आंसर क्या होगा और वो 80 85 तक अपने सही कर देते हैं। तो इससे जो पढ़ने वाला बच्चा है वो इतना अच्छा स्कोर करके भी पीछे रह जाता है इन चीटर्स के कारण। तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान देना चाहिए यूपी में जब एग्ज़ाम कराते हैं ऑफलाइन, तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान देना चाहिए यूपी वालों को कि ये कैसे ऐसे अच्छे अच्छी जगह सेंटर्स डालें कि जहाँ ये सब चीज़ें बच्चों को फेस ना करनी पड़े। और यही होता है, अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में का बच्चों के काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर थे पर उनका नंबर ही नहीं आ पाया। वो इसी वजह से होता है कि कई बहुत सी जगहों पे ये सेंटर डालते हैं और वहाँ पर एक सीट पे दो दो बच्चे बैठते हैं और वो आपस में मिलजुल के फिर पेपर कर लेते हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं वो। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ये जो प्रॉब्लम है ये सबको पता चल सके और ये ज़्यादातर सबके नज़र में आ जाए कि ये यूपी के जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि वो पीछे रह जाते हैं इन चीटर्स बच्चों से। तो इसका थोड़ा प्रोटेस्ट हो सके, विरोध हो सके, इस वजह से आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करनी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।